हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माधव ड्रेसेस माधव ड्रेसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम चार नंबर लड्डू गोपाल जी की ये बहुत ही प्यारी सी पोशाक बनाना सीखेंगे इस पोशाक को बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है और बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का इसलिए आप वीडियो को फुल देखिए फुल वॉच करिए तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं चार नंबर की चोली मैंने पहले से बनाकर तैयार कर ली इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसमें मैंने घेरा भी बनाना बताया हुआ है लेकिन मैंने उसमें जाली का घेरा बनाना सिखाया हुआ है और इसमें मैं बिना जाली का प्लेन घेरा बनाना सिखाऊंगी तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ से बनाना शुरू करते हैं पहले तीन चेन ले लेते हैं और तीन चेन लेने के बाद जिसमें हमने तीन चेन बनाई है इसी लूप में एक और डबल क्रोशिया बना लेते हैं फिर नेक्स्ट चेन में जाते हैं इसमें फिर दो डबल क्रोशिया बना लेते हैं फिर इससे अगली चेन में जाते हैं फिर यहाँ से फिर दो डबल क्रोशिया बना लेते हैं अब अगली चेन में जाते हैं फिर दो डबल क्रोशिया बना लेते हैं, हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हर चेन में हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं और इसी तरह पूरे राउंड में हर चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाकर रो को कंप्लीट कर लेते हैं राउंड के लास्ट में आ गए अब देखिए शुरू में जो तीन चेन बनाई थी थर्ड चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं अब इसमें तीन चेन बनाते हैं और तीन चेन बनाने के बाद एक चेन के ऊपर हमारा ये एक डबल क्रोशिया काउंट होगा इससे नेक्स्ट चेन में जाते हैं इसमें एक डबल क्रोशिया बनाते हैं अब इससे नेक्स्ट चेन में जाते हैं इसमें दो डबल क्रोशिया बनाते हैं इस रो में अब हमें दो चेन में एक एक डबल क्रोशिया और थर्ड चेन में दो डबल क्रोशिया बनाने होंगे अगली चेन में एक डबल क्रोशिया इससे अगली में एक डबल क्रोशिया फिर इससे नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया फिर तीसरी में तीसरी चेन में दो डबल क्रोशिया फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया तो रो में हमें दो चेन में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है और तीसरी चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से करते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं राउंड के लास्ट में आगे देखिए यहाँ पर हमारे दो डबल क्रोशिया बन गए अब ये तीन चेन बनाई थी थर्ड चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेते हैं अब तीन चेन बनाते हैं तीन चेन बनाने के बाद एक ये डबल क्रोशिया बन गया नेक्स्ट चेन में जाते हैं एक डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट चेन में जाते हैं एक डबल क्रोशिया तीन चेन में हमने तीन बार डबल क्रोशिया बना लिया अब फोर्थ चेन में हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना है अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे एक डबल क्रोशिया इससे नेक्स्ट चेन में जाएंगे एक डबल क्रोशिया इससे नेक्स्ट चेन में जाएंगे एक डबल क्रोशिया तीन बार एक एक डबल क्रोशिया और फोर्थ चेन में दो बार डबल क्रोशिया <arriv été Overall> देखिए फ्रेंड्स यहां पर हमने एक एक चेन में तीन बार डबल क्रोशिया बनाया है फोर्थ में दो बार बनाया है फिर तीन में एक एक बार बनाया है फिर फोर्थ में दो बार तो इस तरह से करते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं और आगे अगली रो में जैसे यहाँ पर हमने तीन के बाद फोर्थ में बनाया है फिर फिफ्थ चेन में दो बार बनाएंगे फिर सिक्स चेन में दो बार फिर सेवन चेन में दो बार तो इस तरह से करते हुए हम अपने आठ इंच के घेरे को तैयार कर लेते हैं ये घेरा बन करके यहाँ तक तैयार हो गया हमने स्लिप स्टिच से, से थर्ड चेन में जाकर इसको ज्वाइन कर लिया अब देखिए कैसे करना है जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है इससे आगे ये चेन दिखाई दे रही है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं और इसके बाद तीन चेन लेते हैं तीन चेन लेने के बाद जो सिंगल क्रोशिया है इसके दो लूप उठाते हैं और ऐसे निकाल कर इस पर भी सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं अब हम एक चेन स्किप करते हैं और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं फिर देखिए इसी सिंगल क्रोशिया पर तीन चेन बनाते हैं तीन चेन बना देने के बाद सिंगल क्रोशिया के दो लूप उठाते हैं ऊपर के इसमें से धागा निकाल कर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं एक सिंगल क्रोशिया छोड़ देते हैं नेक्स्ट में जाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते हैं फिर इसके ऊपर तीन चेन बना लेते हैं तीन चेन बनाने के बाद इसके दो लूप उठाते हैं और इसमें से धागा निकाल कर सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं एक चेन छोड़ते हैं नेक्स्ट चेन में जाकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते हैं फिर इसके ऊपर तीन चेन बनाते हैं और फिर दो लूप में निकाल कर एक चेन छोड़कर नेक्स्ट में ज्वाइन करते हैं तो देखिए इस तरह से हमारी किनारी बनती जाएगी इसी तरह किनारी बनाकर इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए देखिए यहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बना लिया अब तीन चेन बना लेते हैं और दो लूप उठाकर इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं अब यहाँ पे एक चेन बची है इसी एक चेन को छोड़कर नेक्स्ट में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेते हैं यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एक चेन लेते हैं और इस धागे को यहाँ पर कट कर देते हैं कट करने के बाद इस धागे को हम पीछे की साइड एडजस्ट कर देंगे तो देखिए इस तरह से ये हमारा घेरा बन करके तैयार हो गया अब हमें फ्लावर बनाने हैं तो फ्लावर बनाने के लिए हम रेड कलर ले, ले लेते हैं और इसमें नोट लगा लेते हैं नोट लगाने के बाद इसमें हमें छ चेन बनानी है एक दो तीन चार पाँच छ छ चेन बनाकर ये लास्ट वाली चेन है इसमें ऐसे क्रोशिया हुक डालकर इसको स्लिप स्टिच कर लेते हैं अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाते हैं तीन चेन बनाने के बाद देखिए इस इस क्रोशिया पर ऐसे हाथ रखते हैं यहाँ से धागा लेते हैं और ये हमारा जो रिंग बन गया इस रिंग के अंदर से ऐसे निकालते हैं धागे को जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं इसी तरह से लेकिन इस धागे को हम लंबा निकालेंगे इस तरह से लंबी हाइट का एक बार फिर इसी तरह से देखो दोबारा बता रही हूं फिर एक बार हो गया फिर धागा लेते हैं फिर इसके अंदर डालते हैं फिर इसको ऐसे ऊपर खींच लेते हैं दो बार यहां पर उंगली रखते हैं फिर धागा लेते हैं फिर यहां से निकालते हैं तीन बार फिर यहां से धागा लेते हैं फिर निकालते हैं इस तरह से चार बार और अब इन सारे लूप को एक साथ ऐसे निकाल देते हैं और यहाँ पर लॉक कर लेते हैं इस तरह से करने के बाद तीन चेन बनाते हैं तीन चेन बनाने के बाद इसी सर्कल में जाते हैं और इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से तो देखिए ये हमारा पफ बन गया इसी तरह से फिर देखिए आगे चलते हैं तीन चेन बनाते हैं तीन चेन बनाने के बाद धागा लेते हैं और इसके अंदर से एक बार निकालते हैं फिर धागा लेकर इस धागे को हम पीछे वाले को साथ साथ एडजस्ट करेंगे दो बार निकालते हैं फिर धागा लेते हैं तीन बार निकालते हैं फिर धागा लेते हैं फिर चार बार निकालते हैं अब ये सारे लूप को एक साथ निकाल देते हैं और यहाँ से लॉक कर लेते हैं फिर तीन चेन लेते हैं फिर यहाँ पर रिंग में डालकर इसको यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेते हैं इस तरह से ये हमारा दूसरा पफ बन गया एक बार और बता देती हूँ मैं आपको तीन चेन लेते हैं तीन चेन लेने के बाद धागा लेते हैं इसमें डालते हैं रिंग में एक बार ऐसे ही कर लेते हैं फिर दो बार फिर तीन बार फिर चार बार और इन सभी को एक साथ निकाल कर यहाँ से लोक कर लेते हैं और तीन चेन बना कर के इस रिंग में जाकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेते हैं अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारे तीन पफ बन गए इसी तरह से हमें इस सर्कल के अंदर छः पफ बनाने हैं तो मैं बना करके आपको दिखाती हूँ देखिए इस तरह से इसमें छः पफ बन गए एक दो तीन चार पाँच छः अब हमने तीन चेन बना ली तीन चेन बनाने के बाद इस रिंग के अंदर जाकर इसको स्लिप स्टिच कर लेते हैं और एक चेन बना करके यहाँ पर धागे को कट कर देते हैं और इस धागे को हम पीछे की तरफ एडजस्ट कर लेंगे और देखिए इस तरह से हमारा ये पफ फ्लावर बनकर के तैयार है इसी तरह से हम कम से कम पाँच फ्लावर बना लेते हैं फ्लावर बनाने के बाद अब हम ग्रीन कलर का धागा ले लेते हैं ग्रीन कलर की वूल इसमें नोट बनाते हैं इस तरह से जैसे हम नोट बनाते हैं और उसके बाद हम नौ चेन बना लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ चेन बनाने के बाद ये पहली इस चेनज से दूसरी चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है उसके बाद इससे नेक्स्ट चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है हाफ डबल क्रोशिया कैसे करते हैं धागा लेते हैं चेन के अंदर डालते हैं हमारे तीन हो गए तीन का एक कर देते हैं इस तरह से दो हाफ क्रोशिया बना लेते हैं दो चेन में ये देखिए इस तरह से अब इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया इससे नेक्स्ट चेन में एक बार और डबल क्रोशिया शुरू में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया फिर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया दूसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया उससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया उससे नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशिया अब इससे नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से इससे नेक्स्ट में फिर से हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिया अब यहाँ पर जो लास्ट चेन बची है इसमें बनाते हैं एक सिंगल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें यहाँ से इस तरह से मुड़ना है तो हम यहाँ पर एक चेन बना लेते हैं और चेन बनाने के बाद जिसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया उसी में एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं और इस धागे को साथ साथ लेकर एडजस्ट करते हैं अब देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये हमारी देखिए यहाँ पर किनारी चेन नजर आ रही है इनमें हमें काम करना है तो नेक्स्ट इसमें लूप में डालते हैं और यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है फिर इससे नेक्स्ट में डालते हैं देखिए इस तरह से ये लूप नज़र आ रहे हैं ये यह चेन यहाँ पर इसमें फिर से हाफ डबल क्रोशिया दो हाफ डबल क्रोशिया बन गए अब नेक्स्ट में जाते हैं इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं फिर नेक्स्ट में जाते हैं फिर डबल क्रोशिया बना लेते हैं फिर इससे नेक्स्ट में जाते हैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया फिर इससे नेक्स्ट में जाते हैं फिर हाफ डबल क्रोशिया अब एक चेन बची है ये इसमें सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर जो कॉर्नर है यहाँ पर इस तरह से डालकर कॉर्नर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर देते हैं तो देखिए ये हमारा लीव्स की तरह से बन गया धागा कट कर देते हैं एक चेन बनाकर और इस धागे को पीछे की तरफ एडजस्ट कर देते हैं देखिए इस तरह से अब मैं एक लीव्स और बनाकर दिखा देती हूँ आपको नोट लगाते हैं नोट लगाने के बाद नौ चेन बनाते हैं एक दो तो, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ चेन बनाने के बाद ये वाली चेन छोड़ देते हैं नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हैं इससे नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया इससे नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया फिर इससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया इससे नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशिया फिर इससे नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया इससे नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया लास्ट वाली चेन बची है इसमें सिंगल क्रोशिया और फिर एक चेन ले लेते हैं यहाँ से हमें मुड़ना है इस धागे को साथ साथ एडजस्ट करना है जिसमें सिंगल क्रोशिया बनाया है इसी में एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं अब यहाँ पर जो ये चेन दिखाई दे रही है ये इनमें काम करना है पहली में डालते हैं पहली में एक हाफ डबल क्रोशिया दूसरी चेन में डालते हैं इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया फिर इससे नेक्स्ट चेन में डालते हैं यहाँ पर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया फिर इससे नेक्स्ट चेन में डालते हैं फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया इससे नेक्स्ट में डालते हैं हाफ डबल क्रोशिया यहाँ से नेक्स्ट वाले में जाते हैं हाफ डबल क्रोशिया ये है एक इसमें सिंगल क्रोशिया अब जो लास्ट में जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ वाली चेन में डालकर इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं तो इस तरह से फ्रेंड्स इस तरह से हमें ये हमने पाँच फ्लावर बनाए हैं तो दस लीव्स तैयार कर लेते हैं अब हम ग्रीन कलर की बूल ले लेते हैं इसमें नोट लगा लेते हैं और नोट लगाने के बाद देखिए इसी घेरे को लेते हैं और इस घेरे में देखिए ऊपर की एक दो तीन तीन रो छोड़ देते हैं और आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं मैं आर्म होल की साइड से शुरू कर रही हूँ जो थर्ड हमारी है एक दो तीन इस थर्ड वाली रो के नीचे यहाँ से क्रोशिया हुक डालते हैं देखिए इस तरह से इस डबल क्रोशिया में और यहाँ पर इसको ऐसे निकाल लेते हैं इस तरह से अब इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें इस तरह से डालते हैं और फिर यहाँ से इस धागे को ऐसे इसके अंदर से निकाल लेते चेन की तरह हमें बनाना है ये और थोड़ा लूज लूज बनाना है अब यहाँ से डालते हैं और इसको यहाँ से धागा करके ऐसे इसके अंदर से निकाल लेते हैं थोड़ा लूज रखते हैं फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पर जाते हैं सीधे इसी रो में चलना है ऊपर नीचे नहीं करना है धागा निकालते हैं और फिर इसमें ऐसे निकाल लेते हैं फिर देखिए ये वाला डबल क्रोशिया ऐसे डालते हैं इसमें और यहाँ से धागा लेते हैं और धागा लेकर इसके अंदर निकाल लेते हैं एक बार और बता देती हूँ देखिए ये जो हमारी रो है यहाँ से ये डबल क्रोशिया ऐसे उठाते हैं और ये धागे को निकालते हैं और इसे इसमें से निकाल लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये चेन स्टिच की तरह बनता जाएगा इसको बनाते हुए पूरी रो को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं हम वर्क के लास्ट में आ गए देखिए यहाँ पर एक चेन अभी बची है इसमें इस तरह से डालते हैं और इसको यहाँ पर ऐसे निकाल लेते हैं और एक चेन बनाकर धागा कट कर देते हैं और धागा कट करने के बाद दोनों धागे यहाँ से पीछे की साइड निकाल कर नोट लगा देते हैं तो देखिए ये इस तरह से हमारा घेरा बन जाएगा इसमें आपको ये चेन बहुत लूज लूज़ बनानी है अगर आप टाइट बनाएंगे तो घेरे में खिंचाव आ जाएगा अब इसके बाद हम पगड़ी बना लेते हैं पगड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रोशिया हुक में इस तरह से नोट बनाते हैं और इसके बाद हमें चालीस चेन बनानी है तो पहले उनतालीस चेन बना लेते हैं तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस अब हमें दो चेन एक्स्ट्रा बनानी है क्योंकि इसमें हम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे ये चार नंबर लड्डू गोपाल जी की पगड़ी है तो इसमें हम डबल क्रोशिया से नहीं बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे के लिए दो चेन लेते हैं तो दो चेन हमारी एक डबल क्रोशिया में काउंट हो जाती है और उनतालीस हमने चेन बनाई है तो इस तरह से हमारे चालीस चेन चालीस डबल क्रोशिया काउंट होंगे हाफ डबल क्रोशिया अब इन दो चेन को छोड़ देते हैं और तीसरी चेन में डालकर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं फिर नेक्स्ट चेन में जाते हैं फिर हाफ डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट चेन में जाते हैं फिर हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम चालीस हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं अब हम लास्ट में आ गए हाफ डबल क्रोशिया बना लिया एक चेन बनाकर यहाँ पर धागे को कट कर देते हैं इसमें हमें अब दूसरा कलर लगाना है क्योंकि जो हमने ड्रेस में तीन कलर लगाई है वही कलर हमें इस पगड़ी में लगाने हैं अब यहाँ पर नॉट बना लेते हैं वाइट कलर के धागे से और जहाँ से हमने शुरू किया था शुरू में जो दो चेन बनाई थी सेकंड चेन में जाकर इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेते हैं फिर यहाँ पर दो चेन बनाते हैं तो हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया काउंट हो गया एक फिर नेक्स्ट चेन में डालते हैं और इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं धागे को पीछे ऐसे लेते हुए जाते हैं इस तरह से देखिए हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है वाइट कलर से ये इस तरह से इस पूरी रो को भी इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं और धागा कट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट रो अपनी ग्रीन कलर से बनाएंगे तो ये तीन रो हाफ डबल क्रोशिया से कंप्लीट करके मैं आगे आपको बताती हूँ ये देखिए इस तरह से हमारी ये स्ट्रिप बन गई अब हमें इसके ऊपर लगाने के लिए कलगी बनानी है तो कैसे करते हैं पहले धागे में नोट वूल में नोट लगा लेते हैं नोट लगाने के बाद हमें आठ चेन बनानी है तीन चार पाँच छ सात आठ और अब हमें तीन चेन अलग से बनानी है ये हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी फोर्थ चेन में डालते हैं तो एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं फिर इससे नेक्स्ट चेन में जा, जा, जाते हैं फिर डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से हमारे यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया हो गए फिर एक चेन में जाते हैं ये हमारे चार डबल क्रोशिया हो गए अब हमें नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है एक दो तीन तीन अलग अलग चेन में हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं अब दो चेन बचती है तो इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं और यहाँ पर इस धागे को कट कर देते हैं इस तरह से अब हमें इसमें वाइट कलर लगाना है तो व्हाइट कलर लगाने के लिए फिर से देखिए धागे में नोट लगाते हैं और नोट लगाने के बाद जहाँ से हमने ये तीन चेन बनाई थी यहीं से थर्ड चेन में डालते हैं और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेते हैं फिर यहाँ पर दो चेन बनाते हैं अब हमें हाफ डबल क्रोशिया की रो बनानी है तो नेक्स्ट चेन में जाते हैं यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बना लेते हैं फिर नेक्स्ट में जाते हैं फिर हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं फिर नेक्स्ट में जाते हैं फिर हाफ़ डबल क्रोशिया बना लेते हैं फिर इससे नेक्स्ट में भी हाफ डबल क्रोशिया और ये जो धागा है इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं इधर की साइड पीछे फिर हाफ फिर नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया अब हमारी दो चेन बचती है तीन चेन बचती है तीनों में सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं ये देखिए इस तरह से पीछे जो धागा चमक रहा है इसको कट कर देते हैं यहाँ पर हम वाइट धागे को भी कट कर देते हैं अब इसके बाद हमें ग्रीन कलर लगाना है तो ग्रीन कलर लगाने के लिए फिर से ऐसे ही नोट लगाते हैं और नोट लगाने के बाद जो सेकंड चेन यहाँ पर बनाई थी उसमें डालते हैं क्रोशिया हुक और इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेते हैं फिर दो चेन बनाते हैं अब फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है तो नेक्स्ट नेक्स्ट चेन में जाते हैं और इस धागे को साथ साथ एडजस्ट करते हैं और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया इधर का जो धागा है इसको भी हम यहाँ पर लाकर क्रोशिया के अंदर सेट कर लेते हैं इन सभी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है लास्ट की तीन चेन छोड़ देते हैं ये तीन चेन है इनमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है ये देखिए इस तरह से तो फ्रेंड्स अब इसको धागे को हम यहाँ पर कट कर देते हैं ये ऊपर लगाने के लिए हमारी पग बन गई अब हमें इसको सिल लेते हैं तो देखिए इसको कैसे सिलना है यहाँ से ये मैं चेन स्टिच जहाँ पर हमने लास्ट रो बनाई थी यहाँ से ले लेते हैं हम इसको और ये हमारी सीधी साइड कर लेते हैं इसको ऐसे मोड़ते हैं और ऐसे मोड़ने के बाद इन दोनों पट्टियों को पीछे की तरफ ले जाते हैं यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे इस तरह से और पहले हम यहाँ से ये पोर्शन सिल लेते हैं इतना और इसको सिलने के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक इस पूरे पोर्शन को सिल कर तैयार कर लेते हैं इस तरह से सिलने के बाद देखिए ये हमने इसको सिल लिया अब हम इसको सीधी साइड से पलट लेते हैं ये इस तरह से ये देखिए ये हमारी इस तरह से पगड़ी बन गई और हमने जो ये कलगी बनाई थी इसके जो धागे थे नीचे वो पीछे की साइड एडजस्ट कर दिए और यहाँ पे अब हम सुई धागे से थोड़ा सा इसको ऐसे सुई धागे से सिल लेते हैं और सिलने के बाद इसको यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से ये वाली पगड़ी फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी लगती है बनके जब हमारे जी पहनते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे दूल्हे राजा बैठे हों तो आप एक बार इस पगड़ी को ज़रूर ट्राई कीजिए तो इस काम को कर लेते हैं इतना करने के बाद अब हमें ड्रेस तैयार करनी है देखिए जो हमने फ्लावर बनाए थे और लीव्स बनाई थी अब हमें ये लीव्स जो हमने ये चेन बनाई हुई है इस चेन पर एक ऐसे रखते हैं और एक ऐसे रखते हैं और इसके ऊपर एक फ्लावर रखते हैं ऐसे इस तरह से इनको सेट करना है आप इनको या तो धागे की हेल्प से सिल लीजिए सुई धागे से या इनको आप पेस्ट भी कर सकते हैं तो इस तरह से तैयार कर लेते हैं देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेस बनने वाली है फ्रेंड्स इस तरह से तो इनको सबको सिलकर मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी खूबसूरत सी पोशाक बनकर के तैयार है इसलिए मैंने ऊपर यहाँ पर फ्लावर के ऊपर एक एक स्टोन लगा दिया आप चाहे तो इसमें पर्ल भी लगा सकते हैं हाफ कट पर्ल भी लगा सकते हैं और दो स्टोन मैंने पगड़ी के ऊपर लगाए हैं इस तरह से आई होप आपको पोशाक पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए राधे राधे थैंक यू फॉर वॉचिंग